ये मजलिस का रिकॉर्ड है और मैं आवाम से अपील भी कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि वो 370 लोकसभा सीट देखने का उनका एक टारगेट रखा हो। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, इंतशार पैदा करने वाली ताकतों से दूर रहिए, होशियार रहिए। ये सिर्फ बीजेपी के काम में आसानी पैदा करना चाहते हैं, तो आपको और हमको बीजेपी से मुकाबला करना है, इनको शिकस्त देना है और अपने इत्तेहाद की ताकत से हमको छोटी बीजेपी को भी, जैसा हमने हमेशा शिकस्त दिया, उनको भी शिकस्त देकर हैदराबाद के जो अमन का माहौल है उसको मजबूत रखने की बेहद ज़रूरत है। हाँ, अमित शाह कह रहे हैं CAA लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू करें। देखिए क्या होगा, जब भी होगा आवाम, ये गलत कानून है, भारत के आइन के ख़िलाफ़ है, मज़हब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज़ कभी ख़िलाफ़ नहीं थे कि चाहे हिंदू सिख हो, जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत को और लॉन्ग टर्म वीज़ा देकर, एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत भी देते हैं। मगर ये जो कानून बनाया गया, सिर्फ CAA को आप अकेले नहीं देख सकते, CAA को आपको NPR NRC से देखने की ज़रूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अखलियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मज़हब के हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के ख़िलाफ़ थी और हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। और मजलिस की नुमाइंदगी पर उस वक्त की TRS की हुकूमत में हमने तेलंगाना के असम्बली में एक रेजोल्यूशन को मंजूर करवाया था कि सेंसस गवर्नमेंट कराएगी मगर NRC NPR का काम नहीं होगा यहाँ पर। सर, PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। कल मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में ये कहा था कि कल पार्लियामेंट लोकसभा में उद्धव शिंदे ग्रुप के जो शिवसेना है, उनके जो पार्टी लीडर हैं लोकसभा में, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जब बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को शहीद किया जा रहा था तो नरसिम्हा राव ने लोगों को कहा कि मुझे पूजा करना, डिस्टर्ब मत करो। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसे वज़ीर आज़म को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शिंदे ग्रुप के पार्टी लीडर जो नरेंद्र मोदी की तायद कर रहे हैं, और आज आप उनको भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं और जो रथ यात्रा निकालते हैं, जहाँ जहाँ आडवाणी की रथ यात्रा गई वहाँ पर तशद्दुद हुआ, घर वीरान हुए, बच्चे यतीम हुए, तो इससे बात साबित होती है कि कौन अमन को फ़रोग देना चाहता है और कौन जुल्म को आम करना चाहता है।